खबर यूपी की राजधानी से है, जहां उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। जी हां, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर एक बार फिर से प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है और पूरे उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। यही नहीं, शादियों में भी अब 200 से अधिक लोगों को ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद न सिर्फ केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है बल्कि अब मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य होगा जहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू की जो समय सीमा है वह रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लागू हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ बदलेंगी, यह भी आपको बता दें। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे भारत में बढ़ते ओमिक्रॉन के केस को लेकर अधिकारियों संग बैठक किया और इस बैठक में उन्होंने कई अहम निर्णय लिया है। पहला निर्णय यह है कि उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर को रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू लगेगा। इसके अलावा जो शादियां हैं, शादियों में भी अब 200 से अधिक लोगों के जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि इसके पूर्व जब कोविड पूरे भारत में छाया था तो उस समय भी कर्फ्यू ही एक ऐसा माध्यम था जिसकी वजह से पूरे देश को बचाया जा सका है और यह सबसे सशक्त माध्यम है, जिसे लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 सदस्यीय टीम के साथ अपनी बैठक की और बैठक में कई अहम निर्णय लिए हैं। यदि आप भी रात में यात्रा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 25 तारीख से यानी 25 दिसंबर से पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। जो निर्णय लिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें बाजारों में मास्क नहीं तो सम्मान नहीं के संदेश को भी उन्होंने जोर शोर से प्रसारित और प्रचारित करने के लिए अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। इसके अलावा किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति की ट्रेसिंग और ड्रेसिंग होगी, यानी उनकी बाकायदे जाँच होगी, उसके बाद ही उन्हें अपने घर जाने दिया जाएगा। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पर भी एक बार फिर से टेस्टिंग की जाएगी। यदि किसी में लक्षण मिलता है ओमिक्रॉन के तो तत्काल उसे अस्पताल भेजा जाएगा और उसका उपचार कराया जाएगा। निगरानी समिति बनाई जाएगी जिसमें कोरोना प्रबंधन के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी जाएगी और जो तीसरी लहर है उसके दृष्टिगत अब पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। हालाँकि कोविड की जो तीसरी लहर है उसकी अभी आशंका है और उत्तर प्रदेश में बहुत कम केसेज हैं, लेकिन सरकार पहले से ही सजग है, इसलिए नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। 25 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। आप भी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए। यह आपसे ग्लोबल भारत भी अपील करता है कि आप खुद को सुरक्षित रखिए।